हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, मैं चल रही हूँ पंचमुखी हनुमान मंदिर। वहाँ पर एक कश्मीरी उलन मेला लगा है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी आपको दिखा दूँ। वैसे पटना में जहाँ जहाँ भी कश्मीरी उलन मेला लगा था, चाहे वो स्टेशन हो या फिर खेतान मार्केट हो, मैं दोनों जगह का आपको दिखाई हूँ। एक बच गया है पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास वाला, तो सोच रही हूँ कि वो भी कवर ही कर लूँ। दोस्तों, मैं कैप लेना घर से भूल गई। अभी मुझे बहुत तेज़ का ठंडा लग रहा है कानों में। जब तक मैं पैदल थी तब तक ठंडा नहीं लग रहा था। जैसे मैंने ऑटो लिया और जैसे ही ऑटो चल पड़ा, हवा पूरा मार रहा था कान में। तो मैं आ चुकी हूँ पंचमुखी हनुमान मंदिर। अभी चलती हूँ, सबसे पहले चल के हनुमान जी का दर्शन करूँगी, उसके बाद दिखाऊँगी आपको। सामने ही लगा है, आप देख सकते हो पीछे कश्मीरी उलन मेला। थोड़ा सा रुक के पहले दर्शन। हाँ, थैंक यू। मैं आई हूँ दर्शन के लिए और अभी मंदिर बंद है। दोपहर में मंदिर बंद ही रहता है। यहाँ से हनुमान जी दिख रहे हैं, मैं यहीं से दर्शन कर लेती हूँ फिर चलती हूँ। दोस्तों, पंडित जी अंदर है और यहाँ साइड से हनुमान जी दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ से दर्शन की मैं सोच रही हूँ कि आपको भी दर्शन करा दूँ। जय बजरंग बली। ये पंचमुखी हनुमान मंदिर है, यहाँ पे हनुमान जी के पांच मुख हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ पीको कश्मीरी उलन मार्केट के पास। मैंने आपको बोला था कि पहले दर्शन कर लेते हैं फिर आएँगे दिखाएँगे। ये ज़्यादा बड़ा नहीं लगा है, मतलब छोटा में है। यहाँ से स्टार्टिंग होता है और इधर लास्ट हो जाता है। ये देखिए, बस वहीं तक है। इस मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि ब्लेजर है, जैकेट है, कुर्ती है, ऊनी क्लोथ्स है, उनके साथ साथ मेकअप की चीज़ें भी हैं और किचन रिलेटेड भी सामान है। इधर देख सकते हो आप, अचार वगैरह भी मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यहाँ का एड्रेस नीचे दिया हुआ है, तो देखिए, आना हो तो आइए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ कमाल कमाल का है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये कब तक रहेगा लास्ट? ये 15 फरवरी तक रहेगा, लेकिन टाइम बढ़ जाएगा, लास्ट फरवरी तक चलेगा। लास्ट फरवरी तक, ओके। स्टार्टिंग प्राइस क्या है ब्लेजर वगैरह की? स्टार्टिंग प्राइस हमारी 100 रुपीज से शुरू होती है। टी शर्ट मिलता है ये वाला। अच्छा, ये 100 का टी शर्ट है? ये 100 रुपए का टी शर्ट है। ओके, ऊनी टी शर्ट? ऊनी टी शर्ट है, सब नॉर्मल वूलन में है। अच्छा अच्छा, ओके। मैं दिखाती हूँ दोस्तों थोड़े देर में इसमें से भी छाट के। और कुर्ती का क्या प्राइस होगा? एक कुर्ती पड़ेगा 150 रुपए, 150। अच्छा, 150 की कुर्ती है, वन पीस है ये। अच्छा लग रहा है, ऊनी है ना? हाँ, ऊनी है। ओके, यहाँ पे और भी सारी कुर्तियाँ हैं। अच्छा अच्छा, ब्रांडेड। इसका भी 150 है? नहीं, ये 250, 250 की है। ओके, इसमें बहुत सारे कलर हैं। जरा मैरून वाला खोलिए तो, ये साइड में जो मैरून है, हाँ, ब्लैक और मैरून है। अच्छा लग रहा है ये भी, मतलब मोटा है। आप इसको कश्मीरी उलन। ओके, आप लोग कश्मीर से हैं? जी। दोस्तों, मुझे ये कार्डियन काफ़ी अच्छा लगा है, इसलिए मैंने इसको खुलवाया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब पिंक और ब्लैक में है। वाओ सर, कितने प्राइस की है इसका? MRP है 750। 750, ये भी कश्मीर का है? जी। ओके, और ये जो इसके ऊपर भी 30% डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके, 30% डिस्काउंट मिलेगा। बहुत सारा है, आप चाहो तो खुलवा सकते हो। मैं कौन सा खुलवाऊँ, मैं सोच रही हूँ ऊपर वाला ही दिखा दीजिए, हुडी ही। इसका क्या प्राइस है हुडी का? ये 650 का है। 650। ओके, अंदर फर है, आप देख सकते हो। कपड़े की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। आगे दो पॉकेट मिलेगा, बढ़िया लग रहा है। इसमें भी कलर आ जाएगा, सामने लगे हुए हैं। इनका क्या प्राइस है शॉल का? 550। ओके, 550 में शॉल, वो भी कमाल का है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये क्या है, हैंडमेड है या मशीन के द्वारा बना है? ये हैंड होता है, हैंड से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। इसमें भी कलर मिल जाएगा ना? इसमें भी कलर मिल जाएगा। ओके, बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों, 550 का है। यहाँ सामने भी लगा हुआ है, बहुत सारे शॉल है, शॉल स्टॉल। यहाँ पर ऊनी कुर्ती लगे हैं, आप कोई भी ले लो, आपको 400 का आएगा, मतलब उन्होंने सेल में लगा के रखा है। मुझे मैरून वाला अच्छा लग रहा है।
और भी सारे कलर, ये ब्लैक एंड ग्रे वाला भी प्यारा लग रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे दो अच्छा लगा है, ये मैरून और वो ग्रे वाला। यहाँ पर कंबल भी मिल जाएगा। सर बता दीजिए कंबल का प्राइस कितने से स्टार्टिंग? 1000 से लेके 5000 तक। ओके, सिंगल और डबल दोनों मिलेगा? दोनों मिलेगा, मोंटी कार्लो का भी मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, कंबल अच्छे दिख रहे हैं बट मैं खुलवाऊंगी नहीं अभी, क्या इनका काम बढ़ाना। कंबल तो मतलब सॉफ्ट है, अच्छे लग रहे हैं, आपको लेना हो तो आप खुलवा सकते हो। यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे कुर्ती लगे हैं और इनका प्राइस है 2500। मैं एक दो निकाल के आपको दिखाती हूँ। बाबू इसको पकड़ो तो, हाँ दिखाओ तो। वाओ काफ़ी प्यारा लग रहा है, कॉटन का है। जरा घुमाना बाबू उधर से, ये आपको पीछे की तरफ आएगा, चीज़ काफ़ी अच्छा है। इसमें और भी कलर है? एक ही पीस। अच्छा सिंगल ही है, ओके 2500 का है। मैं और भी छाट के दिखाती हूँ। और एक ये वाला अच्छा लग रहा है, इसका भी सेम प्राइस है। जरा पीछे से दिखाना बाबू, पीछे से चैन है, हाँ पीछे की तरफ से चैन है, वाइट है तो दिख नहीं रहा है। ये देखिए ये प्यारा लग रहा है, कॉटन का है, लगा दो बाबू। दोस्तों इस तरफ बहुत सारे कुर्ती और टॉप लगे हुए हैं, इनका भी प्राइस 2500 है। ये पिंक वाला अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको फैला दिया। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सिंपल में है और हल्के कलर में है, साइज़ भी पूरा है, मतलब हेल्दी लोगों के लिए है। मुझे तो फिटिंग करवाना पड़ेगा। और भी सारे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे लगे हुए हैं यहाँ पर। अभी मैं सोच रही हूँ कि कौन सा खोलूँ, जो अच्छा लगेगा वही खोलूँगी, सारा तो खोल के दिखाना पॉसिबल नहीं है। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब मैं जो भी पीस उठा रही हूँ ना बहुत, मतलब ये है चौड़ा वाला है, ये मुझ में बहुत ढीला होगा इसमें तो मैं मतलब आधा करूँगी तो दो बार हो जाएगा। बाबू कितने प्राइस का है? सेम प्राइस 2500। ओके पर राजस्थानी अचार मिल रहा है, वो भी बहुत तरह का अचार है। मतलब कितने तरह का अचार है यहाँ सामने लिखा गया है, यहाँ पे नंबर दिया गया है, जो आपको चाहिए आप ले सकते हैं इन सारे अचार में से। अचार का स्टार्टिंग प्राइस कितने से है? टोटल सब एक ही रेट का 70 का 250 ग्राम। 70 का 250 ग्राम, ओके। खट्टा मीठा दोनों है। यहाँ का बेस्ट वाला अचार बताना कौन सा है? सारा अचार बेस्ट है, यहाँ पे ज्यादा बिकता है आम का है। आम का ज्यादा बिकता है, ओके। आम का है, मिक्स है। अच्छा अच्छा, लाल मिर्च कटिंग है। वे अचार देख के मुंह में पानी आने लगा ये क्या है? ये आम का मीठा में है। अच्छा मीठा में है, इसका क्या प्राइस होगा? 70 रुपए का। ये पापड़ वगैरह का? पापड़ आपको ये सब आएगा 250 ग्राम। 70 का 250 ग्राम, ये सब आएगा 40 रुपए पैकेट। ओके, पापड़ में कितने तरह का पापड़ रखे हो आप? पापड़ में फ्लेवर आएगा चावल का है, आलू का है और अच्छा अच्छा का है, सब का फ्लेवर है, मेथी है, जीरा है, लाल मिर्च है, हरा मिर्च है। ओके ओके ओके। दोस्तों मेरी कमजोरी है अचार, मतलब मैं जहाँ जाती हूँ अचार देख लिया, मतलब पार्टी हो गया या फिर घर पे कभी खोलते समय बॉक्स वगैरह देख लिया या फिर मार्केट में देख लिया तो मेरे मुँह में पानी आ जाता है, तो मेरे को अचार लेना ही रहता है। अभी मैंने इनको बोला कि एक अचार चखा दो मुझे। ओके, टेस्ट बहुत अच्छा है, थैंक यू। ये भी सोचे कैसी लड़की है, अचार देखते ही मुंह में पानी आ गया, मेरे का सब क्या आ जाता है। इस तरफ किचन के रिलेटेड सामान मिल रहे हैं, बहुत सारे सामान हैं। हर लहासा मार्केट में हो या कश्मीरी उल्लन मार्केट हो, हर जगह किचन का सामान मिलता ही है। अभी मेरे मुंह में अचार है इसलिए मैं अटक अटक के बोल रही हूँ। चलिए पूछते हैं कि छन्नी वगैरह का प्राइस क्या है। मैं पूछ रही थी कि ये जो पलटा है इसका प्राइस क्या हो? 70। ओके, और छन्नी का ये वाला 160। इसका क्या यूज होता होगा? छानने के लिए, पकौड़ी पूरी। अच्छा अच्छा, ओके। मतलब कढ़ाई छोटा हो ये बड़ा हो तो कैसे होगा? मेरे यहाँ कढ़ाई छोटा ही है, तलिएगा तो वायरलेस का बढ़िया से निकल जाएगा। ओके, तो इसके लिए बड़ी कढ़ाई भी खरीदनी पड़ेगी फिर? इसके लिए साइड नीचे है।
अच्छा अच्छा ओके दोस्तों, इसमें साइज मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा लगा है। जरा इसका बता देते आप, तड़का मारने वाले का। उसमें भी तीन साइज है, हाँ मीडियम, 220 रुपए से स्टार्ट है। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा 180 का है ओके। और ये है नॉन स्टिक बोलते हैं ना, मेटल में है। और ये एल्युमिनियम है ओके, सही है। दोनों में अच्छा कौन सा ज्यादा होता है, ये वाला? अच्छा अच्छा, छन्नी काफी बड़ा है। क्या प्राइस है? 160 का है। चलिए, मैंने यहाँ का सब कुछ दिखा दिया आपको, थैंक यू सर। तो फाइनली दोस्तों, मैंने आपको पूरा घुमा दिया। आप बताओ कि आपको यहाँ पर क्या क्या अच्छा लगा है और प्राइस ठीक ठाक लगा है या ज़्यादा है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिए, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।